कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए, सेकंड कि उसका डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म का डेफिनेशन। और एक और मैंने आपको बात बोली थी कि मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी जिससे कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड बेस जो है हमारा है उसमें आप HCF निकाल दें दोनों नंबर का, यानी डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का। तो HCF ऑफ 66 एंड 77 तो आप कुछ निकालेंगे HCF तो हमारा कुछ ऐसा आएगा। तो HCF से भी हमारा 11 ही आया। अब सिंपली इस नंबर से हमें डिवाइड कर देना है। तो 66 बाय 77 इज इक्वल्स टू 66 डिवाइड 11, यानी दोनों में हमारे 11 आए। तो ये तरीका कभी कभी आसान हो जाता है या कभी कभी आपको समझ नहीं आता है कि कॉमन डिवाइजर क्या है, कैसे डिवाइड करें, तो आप ये HCF वाला भी मेथड अपना सकते हैं। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। एंड ये पिछली वीडियो से क्वेश्चन है, आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिए। एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।